जी अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? वालेकुम सलाम शाह साहब, की हाल है? मुबशिर साहब ठीक हैं आप? खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, तो आज हम आपसे जानेंगे आयरलैंड के प्रोसेस के बारे में। तो रफीक भाई, आपसे हम पूछेंगे कि आपने आयरलैंड का जो प्रोसेस है वो किस तरह किया, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, OET आपने किस तरह किया और ये सारा सिस्टम। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वैसे साहब, जैसे आप जानते हैं कि मैं मेरे और आपकी तो बहुत पुरानी दोस्ती रही है, लेकिन देखने वालों को कि मेरा नाम तो आपने बताया रफीक है। मैं शिफा का ग्रेजुएट हूँ 2014 का। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 2019 के एंड तक शिफा में और उसके बाद कलसूम में 1 साल काम। उसके बाद फिर मैं सऊदीया अलमाना हॉस्पिटल में, जिसमें आप भी थे, लेकिन आपने जल्दी छोड़ा था और मैंने कंट्रैक्ट कंप्लीट करके तो 3 साल में सऊदीया में रहा। उन सही 3 सालों में मैं आईसीयू में काम करता था अलमाना हॉस्पिटल में। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने कहीं यूरोप वाली साइड पे जाना है। अच्छा रफीक भाई, ये बताइए कि वाई आयरलैंड, आपने आयरलैंड को क्यों चूज किया? मुबशिर भाई, इसमें बहुत बड़ा जो रोल है ना, वो ये है कि शायद आप जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है या अगर वो यूके चले जाएं या आयरलैंड, लेकिन जो हमारे जैसे जिनका 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम उसी एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो वो शायद यूके में नहीं है। अगर आप किसी भी यूके की किसी हॉस्पिटल में अप्लाई कर ले तो आपको एक अनवाइस लर्नर वो कंसिडर करते हैं, और आपकी सैलरी स्केल सारों का, चाहे जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे किसी का 12 साल हो, तो वो सारों को एक जैसे कंसिडर करते हैं। लेकिन आयरलैंड ऐसा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल है, तो वो आपको उस बेस के ऊपर, और उसका आपने उनको प्रूफ देना है कि हाँ मैंने इधर इधर काम किया, और वो वेरीफाई भी करते हैं। तो अगर अच्छा वो वेरीफाइड हो गए आपके एक्सपीरियंस, तो आपका उसी हिसाब से सैलरी स्केल होगा, क्योंकि वो 1 स्केल 1 2 3 ऐसा ही है। तो वो उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है NMBI का या HSE का, हेल्थ सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर ये मेंशन है कि अगर आपका इतना साल एक्सपीरियंस है तो आपका स्केल कितना होगा और आपका पोजीशन क्या होगा। तो उसी वजह से ये कंसिडर की मैंने मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा एक्सपीरियंस मेरे काम आएगा, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम टू। इसके अलावा क्या आपको फैसिनेट किया आयरलैंड? एक सैलरी तो हो गई यूके से काफी बेहतर है, और इसके अलावा आपको क्या फैसिनेट किया आयरलैंड के इसका अंदर? फिर भाई जो यहाँ पे ये है ना कि ये यूरोपियन यूनियन में आता है, जो यूके तो एक अलग सा यूके है ना, मतलब एक ब्रिटिश है। सही यहाँ है। का ये फैसिनेट किया कि अगर आप, वो तो बात की बात है, अगर अल्लाह तआला करे हम यहाँ पे रहें और हमें पासपोर्ट मिले, तो बनिस्बत यूके का, यहाँ का पासपोर्ट आई थिंक कि वो मोर पावरफुल है, क्योंकि आप पूरी यूरोप में किसी भी जगह पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस चलेगा। सही क्योंकि है। अगर यूरोपियन किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेंगे, और ब्रिटिश तो एज अ ब्रिटिश है कि जाहिर है, फिर अभी वो ब्रेक्सिट के बाद सारा कुछ चेंज हो गया, तो कि वो भी एक रीजन था कि चलो हम यूरोप में आएंगे, तो फिर कहीं भी यूरोप में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। अभी तो ब्रेक्सिट के बाद यूके वाले कहीं भी नहीं जा सकते, आ सकते, मतलब जा तो आ सकते हैं लेकिन उनको वीजा चाहिए होता है हर जगह के लिए। यहाँ पे ये है कि आपको वीजा नहीं चाहिए, कहीं भी आप यूरोप में घूम सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास इवन दो के स्टैम्प और आपको मिल गया, तो स्टैम्प फोर का ये मतलब होता है कि जब आप आते हैं तो आपका वीजा स्टैम्प 1 होता है, तो स्टैम्प 1 2 ईयर्स के लिए होता है, फिर उसके बाद आप स्टैम्प 4 पे आ जाते हैं। तो स्टैम्प 4 के बाद आप प्रॉपर्टी खरीदो, आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, आप बेशक यहाँ पे रहना भी नहीं चाहते, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या कहीं और कंट्री में, तो फिर आप उसी स्टैम्प 4 के एग्जैक्टली 2 ईयर्स बाद, या आई थिंक 3 ईयर्स बाद, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन ये है कि कम्प्लीट आपने 5 ईयर्स करने हैं, तो 3 ईयर्स बनते हैं, सही। तो 3 ईयर्स के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा, बेशक आप पाकिस्तान आयरलैंड में रहे भी ना ही ना भी रहे तो खैर। तो ये अच्छा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे, तो उसको देख के फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो हम आयरलैंड का ही आयरलैंड आयरलैंड के OET की रिक्वायरमेंट थोड़े से डिफरेंट है यूके से। राइट इसमें भी वो 3 B चाहिए और 1 C+ चाहिए, लेकिन सी राइट प्लस आप किसी में भी ले लो, मतलब जैसे यूके का स्पेसिफिक है फॉर द राइटिंग, तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी में भी ले सकते हैं। अगर आपका किसी भी में C+ आ जाए एक मॉड्यूल में और 3 में B हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वो आइल्स पे भी है एप्लीकेबल।
हाँ इसी तरह ये आर्ट्स में भी एप्लीकेबल है कि 6.5 किसी एक में ले लें और 7 बाकी तीनों मॉड्यूल्स में ले लें, तो आप यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं उसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। राइट, वायरलेस वहां पे आयरलैंड में भी ये बैंड सिस्टम होता है कि बैंड 5 नर्स है, बैंड 6 नर्स है, या बैंड 7, 8, 9 जो भी है। नहीं मुबशिर ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे भी आप आते हैं ना, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब आपके पास यहाँ पे लाइसेंस नहीं होगा तो आपको जी स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट ओके okay. नर्स के हिसाब से आपकी सैलरी कंसिडर होगी। वो उसके नेट पे भी है, तकरीबन 30,000 यूरोज है वो स्टूडेंट नर्स सैलरी है, तो वो आप स्टूडेंट नर्स के में काउंट हो जाएंगे कि आप एज अ स्टूडेंट नर्स काम करते हैं। जब आपके पास लाइसेंस आएगा, तो जिसको ये लोग पिन भी कहते हैं, तो जब आपके पास पिन आएगा तो उसके बाद वो आप इनको शो कराएंगे कि मेरा 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आप उसको सैलरी स्केल कहते हैं। इनमें ऐसे बैंड नहीं है कि मैं बैंड 5 या बैंड, ऐसा नहीं है। नर्स हैं और फिर उसके बाद आप CNM 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन स्टाफ नर्स सारा काउंट करते हैं स्टाफ नर्स को, लेकिन आपकी सैलरी स्केल पे फर्क होगा। जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस है उसका ज्यादा होगा, जिसका कम है तो वो कम होगा, लेकिन इसका बैंड सिस्टम नहीं है। वो बैंड सिस्टम आपके क्लिनिकल मैनेजर्स में है, चाहे वो क्लिनिकल मैनेजर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा है, तो स्टाफ नर्स कुछ भी नहीं है। यूके में तो इस तरह है कि जैसे ही अगर आप पीएचडी भी करके आते हैं किसी जगह से, इंटरनेशनल कंट्री से, आपको वो स्टार्ट तो बैंड 5 से ही करेंगे, लेकिन हो सकता है अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो आपको वो कंसीडर किया जाए बाद में, बट इनिशियली आप बैंड 5 से ही स्टार्ट करेंगे और आपकी सैलरी स्केल जो भी है वो उधर से ही स्टार्ट होगी जो एक फ्रेश ग्रेजुएट स्टार्ट करता है। तो ये तो थोड़ा सा अनफेयर सा सिस्टम लगता है। ये यूके में मेरे को ये अनफेयर लगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मेरा 9 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस बनता है आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो हमारा 1 साल का इंटर्नशिप होता है पाकिस्तान में, जो विदाउट लाइसेंस होता है, तो वो उन्होंने काउंट कर दिया कि चलो वो आपने काम किया था तो वो भी इसमें काउंट कर दो। तो मेरा 9 ईयर्स का बनता है, तो अभी जो स्केल है मेरा सैलरी स्केल वो 9 स्केल का है, क्योंकि 9 ईयर्स तो 9 स्केल है, तो 9 स्केल पे वो जितना बनता है वो सारा HEC की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ, तो उसी हिसाब से स्केल पे। अगर आपका 12 10 ईयर्स का है तो 10 ईयर्स प्लस, फिर आप वो मैनेजमेंट में आते हैं, क्लिनिकल मैनेजर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसा ही है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा आयरलैंड का, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम टू आयरलैंड। अच्छा, कोई अगर फॉर एग्जांपल फ्रेश ग्रेजुएट जो आते हैं और आयरलैंड में अप्लाई करते हैं विद 1 ईयर या 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनके लिए क्या सैलरी स्केल है, और जो आप हैं फॉर एग्जांपल 9 ईयर्स के एक्सपीरियंस, तो वो कितना डिफरेंस है? मुबशिर भाई, इनमें ये है कि वो सैलरी स्केल जो है वो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, ऑफिशियल जो सही। वेबसाइट है इसी का, हाँ वो हाँ आप शेयर भी कर दें, तो ठीक वो है। इन हाँ जो वो इस उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट नर्स वही होता है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, वो 30,000 यूरोज है। उसके सही। बाद अगर एक एक्सपीरियंस है तो वो उसी हिसाब से, अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड फिगर्स याद नहीं है, लेकिन मोस्ट 1,000 to 1,500 पर ईयर है, यूरोज है, तो जिसका ओके तो वो उतना उसी हिसाब से, क्योंकि 1,000 और 1,500 के बीच में 1 साल का इंक्रीमेंट है। तो अगर आपका 9 ईयर्स है तो वो आपको 9 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे 30,000 के साथ, और अगर आपका कोई 2 साल है तो फिर वो आप उसी हिसाब से 2 2 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके 30,000 से प्लस, 30,000 के साथ प्लस करेंगे, तो उसी वंडरफुल। हिसाब से एक्सपीरियंस, अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा सैलरी है और काम उस हिसाब से। यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है वैसे। अभी जी जी फॉर एग्जांपल जिस बंदे का अभी 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो उसके हिसाब से, 6 साल का एक्सपीरियंस उस हिसाब से उसके अराउंड 7,000 यूरो इंक्रीज हो जाएंगे, विच इज अ बिग थिंग। नॉट 7,000 बट पंद्रह बिल्कुल ऐसा ही सौ अराउंड 1,500 यूरो बन जाएंगे उसके। चलेगा। ये जो इनिशियल आपका वीजा होता है, वो कितने ईयर्स का आपको परमिट मिलता है? जब यहाँ पे आप आते हैं तो वो यहाँ पे परमिट सिस्टम और यूके का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मेरा दोस्त जो आया है अब्बास, उसको ऑलरेडी परमिट मिला हुआ है, तो यहाँ पे परमिट अगर आपको इनिशियली मिलता है तो वो आपको, यहाँ का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, वो 3 मंथ्स का इनिशियल मिलता है, उसके बाद फिर आपने उसको रिन्यू करके 1 1 ईयर का करना है। तो आपका जो इनिशियल मिलता है परमिट, इसको आयरिश रेजिडेंसी IRP जिसको कहते हैं, आयरिश रेजिडेंसी परमिट,
तो वो अगर आप उसी डेट से 2 साल के बाद फिर आपको स्टैम्प 4 मिलेगा, लेकिन होता फिर 1 1 ईयर का है। इनिशियल जो परमिट होता है वो 3 ईयर 3 मंथ्स का होता है। उसके बाद इसलिए कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो फिर जाहिर बात है आपका कंपेटेंसीज होगा, उसके बाद फिर आपको लाइसेंस इशू होगा। तो अगर आप लाइसेंस एग्जाम में फेल जाते हैं या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है तो वो फिर आपको वो रिन्यू नहीं करेंगे। या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं, पहले ऐसे होता था इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम चेंज किया। पहले वो ऐसे करते थे कि यहाँ पे जब लोग आते थे तो इनको परमिट मिलता था 1 ईयर का, तो वो एग्जाम में अगर फेल हो जाते थे या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनके साथ होता था तो वो हॉस्पिटल में काम नहीं करते थे, फिर इधर उधर काम करते थे। तो फिर उन्होंने उस चीज़ को बैन करने के लिए, क्योंकि जब आपका रिन्यूअल होगा तो वो हॉस्पिटल से अप्रूव होगा कि हाँ ये बंदा अभी हमारे साथ रहेगा, उसका हॉस्पिटल से एक लेटर चाहिए होगा। तो उसके बाद वो फिर आप गारडा में, मतलब पुलिस स्टेशन में दिखाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस वाले को, तो वो फिर आपको आपका IRP रिन्यू कराएगा। तो ये क्योंकि वो UK वाला तो मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि शुरू से आपको 1 ईयर का मिलता है, तो यहाँ इनिशियली जो 3 मंथ्स का होता है उसके बाद फिर 1 1 ईयर का होगा, लेकिन 2 ईयर्स के बाद फिर आपका स्टैम्प 4 हो जाएगा और कंप्लीट 5 ईयर्स फ्रॉम द इनिशियल डेट आपको फिर पासपोर्ट मिलेगा। वेल डन वेल डन। और इसमें पासपोर्ट के लिए आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है, फिर वेट करना है, या आपको ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर हो जाते हो? नहीं, वो अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर आप जैसे ही सारा प्रोसेस होता है आप जाके इमिग्रेशन वाले के बताएंगे कि भाई हमारा ये सिस्टम है, मैं तब आया था, आई एम एलिजिबल, तो वो फिर अपना जो भी प्रोसेस है वो करके फिर आपको पासपोर्ट, लेकिन इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं इजी है। है बिल्कुल। रफीक भाई ये बताइए कि हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पे कैसा है? फ्री है एक्सपैट्स के लिए, और क्या उसके लिए आपको पेज करते हैं, या क्या सिस्टम है वहाँ? मुबशिर भाई, दो दो टाइप्स के यहाँ पे लोग होते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं। तो जो राइट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है जैसे HSE का हॉस्पिटल है, हेल्थ सर्विसेज एग्जीक्यूटिव का, जैसे UK में NHS का है, तो उसमें आपकी सैलरी से तो डिडक्शन होती हो, मतलब होती रहेगी चाहे आप चाहे या ना चाहे, जो पेंशन होता है और जो हेल्थ का इंश्योरेंस होता है। तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लाईज है उनका हेल्थ तो बिल्कुल फ्री होता है। आपको अगर कोई भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो तो हॉस्पिटल आपको बिल्कुल पूरा 100% कवर करेगा। लेकिन जो हॉस्पिटल, जो लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उस उनके पास चॉइस होता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन वो आप लेते हैं या नहीं लेते। अगर को आप लेते हैं तो जाहिर बात है फिर आपको वो कवर करेगा, अगर आप नहीं लेते हैं तो वो आपको कवर नहीं करेगा, क्योंकि वो सैलरी से फिर डिडक्शन नहीं होगी, तो डेफिनेटली फिर आप यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर द इंश्योरेंस एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन अगर आपकी सैलरी से कटिंग होती है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंश्योरेंस एंड फॉर द पेंशन एंड ऑल दिस सॉर्ट। वंडरफुल। आप अगर अभी जो हैं आप प्राइवेट में हैं या आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं? मेरा पब्लिक सेक्टर है, HSE हॉस्पिटल है, हेल्थ सर्विसेज एग्जीक्यूटिव का हॉस्पिटल। अच्छा, फैमिली जो वीज़ा है उसका स्टेटस क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, एंड व्हाट अबाउट द चाइल्ड एजुकेशन एंड चाइल्ड बेनिफिट्स? जी, ये है कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो आपको फैमिली वीज़ा, तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली को बुला सकते हो, किसी भी टाइम पे बुला सकते हैं। और फैमिली में आपकी जाहिर बात है वाइफ, या अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड और बच्चे, तो आप किसी भी टाइम पे बिल्कुल आप बुला सकते हैं अपनी फैमिली को, बहुत इजीली है। और दूसरा ये कि जैसी ही आपकी राइट्स है तो डेफिनेटली वो आपकी फैमिली की भी राइट्स होंगी, लेकिन उसमें एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि आपकी फैमिली है ना, जो आपकी वाइफ है या अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड है, तो उसको स्टैम्प 4 का जो वीज़ा है वो 4 ईयर्स के बाद मिलेगा, और अच्छा 4 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स तो 7 ईयर के बाद उसको नेशनलिटी मिलेगी। आयरलैंड का ये प्रोसेस है। लेकिन अगर बीइंग अ नर्स आप इधर आते हैं तो आपको 5 ईयर्स कंप्लीट चाहिए। तो अगर आपका जो आपके जो घर डिपेंडेंट वाले है। है डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट के लिए 7 ईयर्स चाहिए टू गेट अ पासपोर्ट हियर। और चाइल्ड का एजुकेशन तो जाहरी बात है बहुत यहाँ पे तो सिस्टम आपको पता है कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और आप अगर बच्चे हैं तो उनको आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पे भी मिलते हैं, 250 यूरो पर मंथ मिलता है अगर वो स्कूल राइट गोइंग है, उसमें एजुकेशन भी फ्री है और 250 यूरो आपके अकाउंट में भी आते हैं, मतलब एक ही बच्चे के ऊपर आपको 250 यूरोज मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक एंड प्लस पॉइंट। एजुकेशन एजुकेशन उसकी फ्री होती है प्योरली। एजुकेशन ये है बिल्कुल ऐसा ही।
रफीक भाई, अभी बात करते हैं आपके ओईटी के प्रोसेस के बारे में. सही है, आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ कि बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि पाकिस्तान अभी रेड लिस्ट कंट्री में है, ये है वो है, तो हम पाकिस्तान से अप्लाई ना करें, हम सऊदी अरब में चले जाएं, 1-2 साल वहां पे लगाएं, वहां से आगे एप्लीकेशन करें. तो क्या आपका भी यही प्लान था? इसी सिलसिले में आप सऊदी अरब गए थे, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ यू नो गेटिंग ओईटी पास्ड? मुबशिर भाई, ये जो रेड लिस्ट वाली स्टोरी है, ये मेरे ख्याल से यूके में सिर्फ एलिजिबल है, उनकी है, क्योंकि आयरलैंड की रजिस्टर में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो रेड लिस्ट है। कोई भी सही बंदा किसी कंट्री से किसी भी जगह से आ सकता है। मैं तो खैर सही मैंने अप्लाई किया था सऊदी अरब से, लेकिन मेरे दो जो कोलीग्स हैं वो लाहौर से हैं एक, और एक कराची से आई, ये दोनों लड़कियां हैं, तो वो तो पाकिस्तान से, ये कोई रेड लिस्ट कंट्री वाली कहानी नहीं। दूसरा ये है कि जैसे आपने बात की ओईटी का, तो डेफिनेटली ओईटी तो हर बंदे के अपना एक स्ट्रगल होता है, चाहे कोई अटेम्प्ट में करता है चाहे कोई सेकंड अटेम्प्ट में करता है, लेकिन स्कोर आपको वही चाहिए जो हमने पहली बात की कि 3 मॉड्यूल्स में बी चाहिए और एक मॉड्यूल सी प्लस चाहिए, चाहे वो किसी भी में हो। तो बिल्कुल ये तो इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है हर किसी इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए, तो आपको जरूरी है कि चाहिए आपको ओईटी फर्स्ट, तो ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आपके दो रास्ते हैं, या तो आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई करें, एप्लीकेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन कैसे फॉरवर्ड करेंगे, तो सबसे अच्छा, पहले तो एप्लीकेशन से पहले जो है ना, ये थोड़ा सा मजीद हम ओईटी के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के लिए यही होता है. बाकी तो बिल्कुल प्रोसेस वो स्मूथ होता है, वो तो चलता रहता है. अच्छा, आप रहते थे खुबर के आगे पीछे या दमाम में? तमाम है। दमाम में. तो वहां पे आपने क्या कोई एकेडमी ली? आपने स्टडी कैसे किया और किस तरह आप क्या एडवाइस कर सकते हैं लोगों को, वहाँ जो नर्सेस पाकिस्तानी या इंडियन रह रहे हैं, वो किस तरह स्टडी करें और कैसे जो है वो ओईटी पास करें? मुबशिर भाई, वो तो ये है कि दमाम, जाहिर बात है आपने भी देखा है, एक बहुत बड़ी सिटी है सऊदी अरब का, जी वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स मतलब इन पर्सन भी आप क्लास ले सकते हैं, लेकिन मैंने खुद जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ली थी इंडिया से, इंडिया के ओके एक इंस्टीट्यूट है तो उससे मैंने क्लासेस ली थी। लेकिन राइट आप अगर अभी भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने भी है दमाम में, कि वो अभी वो हॉस्पिटल्स में भी आते हैं अपने मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप वो आ सकते हैं, वो मतलब वो आते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा ये इंस्टीट्यूट है इसी जगह पे है, तो आप उधर आइए और क्लासेस लें। और ये ना हो तो सही. आज पहली बात है ऑनलाइन क्लासेस होती है, और मैंने खुद ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो ऑनलाइन तो ये है कि वो टाइम भी बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, आप सुबह में क्लास ले शाम में ले ले, जाना नहीं पड़ता आना नहीं पड़ता, जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट भी बड़ा इशू है सऊदी अरब में, तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है इसके लिए कि एक तो टाइम फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हमने तो ड्यूटीज भी करनी होती है, कभी इवनिंग कभी नाइट कभी मॉर्निंग, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें। इंडिया के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और कहीं भी यूके में भी बड़े अच्छे ऑनलाइन है, वो हर बंदे का आप करता नाम शेयर करना चाहेंगे? एंड देन आई विल शेयर इट ऑन द स्क्रीन. द है। ड्राइजर अकेडमी है, मेड्राइजर, ये मैंने मेट्राइजर. उस एड्राइजर अकेडमी से मैंने तैयारी की थी, तो ये जी अभी तो शायद और भी बड़े सारे हैं, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मैंने पर्सनली मेड्राइजर से किया था तैयारी, और उसके बाद फिर जब मैंने अटेम्प्ट किया तो ओईटी, जाहिर बात है फर्स्ट अटेम्प्ट पे कोई करता है कोई सेकंड पे करता है, तो जी ये एक पॉइंट है। और दमाम और सऊदी अरब में बहुत ज्यादा आजकल ये है कि लोग बहुत सारे मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तो सारे लोग लगे हुए हैं कोई ओईटी की तैयारी में, तो सबको पता होता है कि कैसे कैसे करना है, हर सही. बंदे का आईक्यू लेवल होता है कोई कैसे करता है, और इनिशियली दिस इज इनिशियल स्टेप, तो ये बहुत जरूरी है, उस पर बिल्कुल जितना टाइम लगाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है मुबशिर, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये, क्योंकि हमने अंग्रेज तो बनना नहीं है, हमने एग्जाम हाँ, पास करना बिल्कुल. ना, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही है लोग जो उसकी। है ना बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, एक दफा फेल हो गया या दूसरी दफा फेल हो गया, वो इतने डिसहार्ट हो जाते हैं, वो करता ही नहीं है, करना चाहता ही नहीं है. और अगर कोई कर रहा होता है, वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो
बात सही है, वो एक्सपेंसिव भी है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपना एक ड्रीम पूरा करना है तो उसमें जो बीच में हर्डल्स आती है वो आपने नहीं देखी कि मैं आज फेल हो गया। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 1 महीने की जो आपकी जो अर्निंग होती है वो उस पर आप 5 UET दे सकते हैं, तो वो चीज़ें बात की बात है कि हाँ मेरे पास पैसे की, जाहिर बात है वो भी एक पॉइंट है, लेकिन अगर आपका एक ड्रीम है टू वर्क इन यूरोप, तो ये सारी चीजें बीच में जो है ये बाद में दूर हो जाती है, पैसा या बिल्कुल। मेहनत, तो जाहिर बात है मेहनत वैसे ही करना। भी आपका जो ख्वाब है ना वो आप ही ने पूरा करना है, आपके किसी किसी और दोस्त ने आपका ख्वाब तो पूरा करना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ख्वाब अपने अपने होते हैं, तो उसके लिए मेहनत भी आपने खुद ही करनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि दिल चोटा नहीं करना चाहिए, जाहिर बात है फेल पास तो दोनों वो जो है ना गेम का हिस्सा है, गेम तो का ये हिस्सा ना है। हो गया तो मैं बैठा रहूंगा, तो फिर क्या फायदा, जो फेल हो गया वो पैसा भी ना जाया करते। तो आपने ड्रीम और पूरा करना है तो उसके लिए बीच में हर्डल्स को नहीं देखा जाता, फिर वो जिस तरह भी है कंटिन्यू करना चाहिए। तो जितने भी यस मेरे जो कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट पे, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं, तो आपका करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें फिर आप भूल जाएंगे कि मैंने इतना पैसा लगाया था, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जब फ्रूट मिलता है तो वो कुछ बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट सॉर्ट ऑफ लॉस। अच्छा रफीक भाई, अभी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायर हैं चीज़ें हमें, एंड कितना टाइम लगता है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मुबशिर भाई मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो तो वीटी है, उसके जी बाद फिर दो दो टाइप्स के मतलब चीज़ें हैं। एक होता है डिसीजन लेटर जो आपको NMBI इशू करता है, NMBI है यहाँ का नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ आयरलैंड, ये इनका बोर्ड है, जैसे हमारा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है तो इनका NMBI है, नर्सिंग ठीक है, एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ आयरलैंड। उसके सही। बाद यहाँ तक जो प्रोसेस होता है वो डिसीजन लेटर होता है, उसको कहते हैं DL यानी डिसीजन लेटर। वो डिसीजन ओके, लेटर NMBI इशू करता है कि आपका एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस वैलिड है, एक स्टेप यहाँ तक होता है, उसके बाद फिर आपने जॉब सर्च करना है। तो ये दोनों फर्स्ट स्टेप जो है, आपने फर्स्ट जो स्टेप है वो NMBI में एप्लीकेशन करनी है, जी वो ये ठीक है है। कि UET के बाद फिर उनके दो टाइप की चीजें होती है, या तो आप खुद एप्लीकेशन प्रोसेस कर लें या आप किसी एजेंसी के थ्रू कर लें। तो जी मैंने तो खुद एजेंसी के थ्रू किया था, लेकिन मैं प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे एक दोस्त ने खुद ही किया है और बहुत सारे सही। खुद भी करते हैं, क्योंकि तो जाहिर बात है जैसे बहुत इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उस पर बात करेंगे। जी सबसे पहले जो उसके लिए चाहिए कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपका जो जिस कॉलेज से आपने स्टडी की है उससे एक क्वालिफिकेशन फॉर्म होता है, जो अपने कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है उसने उसको साइन करना है, और वो क्वालिफिकेशन फॉर्म उस वेबसाइट पे दिया हुआ है, अगर ठीक वो है। टाइम टू टाइम अपडेट भी करते हैं। तो सबसे पहला UET के बाद क्वालिफिकेशन फॉर्म है जो आपने उस कॉलेज से के प्रिंसिपल से जिसमें आपने पढ़ाई की है उससे आपने उसको फिल करना है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए वो है सिलेबस आपका, जितनी भी आपने स्टडीज की है मतलब ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम, 2 साल है, 3 साल है, मतलब 3 साल होते हैं या 4 साल होते हैं, क्योंकि डिप्लोमा वाले तो 3 साल है और जो ग्रेजुएशन वाले वो 4 साल है, तो वो पूरा सिलेबस आपको चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस का एक कॉपी चाहिए आपको, तो वो आपको कॉलेज दे देता है 4 ईयर्स का, क्योंकि ओके। शिफॉन दिया था तो डेफिनेटली हर कॉलेज के पास होता है और वो आपको दे देते हैं। अच्छा, ये जो है ये रिकॉर्ड, ये ट्रांसक्रिप्ट से लाइक ये डिफरेंट है, ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। नहीं ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो डेफिनेट जो सिलेबस है ना जो हमें क्लास में पढ़ाया गया है कि फर्स्ट ईयर में ये था, फिर सेकंड ईयर ये पढ़ाया, फिर थर्ड ईयर में ये पढ़ाया, फिर फोर्थ ईयर में, जितने भी सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस, क्योंकि जो जो बंदे शिफा से ग्रेजुएट है तो उस उनके पास डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, उन्होंने मेरे को दे दिया था, सही तो है। शिफा वालों के पास पढ़ा है, बाकी लोगों के पास भी होता है डेफिनेटली, एक इंस्टीट्यूट के पास सिलेबस होता है कि उस ईयर में हमने क्या क्या पढ़ाया, तो ये तो डेफिनेटली ये वही ट्रांसक्रिप्ट से अलग चीजें हैं। तो क्वालिफिकेशन फॉर्म होगा जो कॉलेज से आपको चाहिए होगा, दूसरा आपके पास चाहिए सिलेबस जो भी आपको कॉलेज से चाहिए होता है, तो दोनों चीजें आप सबको कॉलेज से चाहिए, और जिस जिस हॉस्पिटल में आपने काम किया है प्रीवियसली, जैसे अगर जैसे मेरा शिफा में काम किया था, फिर सऊदी अरब में काम किया, तो उसी हॉस्पिटल्स के HR से भी आपको एक एक फॉर्म चाहिए
जिसको एम्प्लॉयमेंट फॉर्म कहते हैं, तो वो यस आपको डीएल में चाहिए होता है डिसीजन मेकर के प्रोसेस में। तो राइट एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होते हैं जो कि आपने हॉस्पिटल से लेने हैं, जिस जिस हॉस्पिटल में आपने हैं, और आपको कॉलेज से चाहिए क्वालिफिकेशन फॉर्म और सिलेबस, उसके साथ साथ आपको आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये तो डेफिनेटली आपको चाहिए डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कंट्री में हो, मतलब पाकिस्तान से भी चाहिए, अगर आप किसी और कंट्री में हो, मिडल ईस्ट में किसी भी कंट्री से, तो आपको उस कंट्री का पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए। तो ये पांच चीज़ें आप, और ये जो हमारे क्वालिफिकेशन फॉर्म है या ये जो सिलेबस है, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको फिर उसको नोटरी पब्लिक भी कराना है अपने किसी सॉलिसिटर से, किसी भी कंट्री में बंदा है तो उसी सॉलिसिटर से फिर आपको ये सारी चीज़ें नोटरी पब्लिक भी करानी है, और उसके बाद फिर आपने सबमिट कराने हैं एनएमबीआई को, और एनएमबीआई का फीस जो है रजिस्ट्रेशन का वो 300 यूरो है, 360 350 है, सॉरी 350 यूरो है, लेकिन वो आपको रिफंडेबल है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो आपको रिफंड करा देंगे। एक सेकंड रफीक भाई, यहाँ पे के आपने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट की एंड उसके बाद जो आप वो जो फॉर्म है वो आपने डाउनलोड किया एंड देन यू सेंट टू योर कॉलेज फॉर द सिलेबस एंड ऑल दीज थिंग्स, और पर वो क्या कॉलेज वाले डायरेक्टली वो उनकी जो पोस्ट जो भी उनका पीओ बॉक्स नंबर है वहाँ पे सेंड करेंगे या ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं? नहीं मुबशिर भाई, ये आपने सारा खुद ही करना है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज दे देता है, तो ये आपके राइट्स हैं और आपको दे देते हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप उस सारे डॉक्यूमेंट्स को नोटरी पब्लिक कराने, क्योंकि कॉलेज ने तो कराने नहीं होते वो, सारे आपने डॉक्यूमेंट्स नोटरी पब्लिक कराने, क्योंकि जो भी आपकी जो एप्लीकेशन होगा ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए एनएमबीआई में, उसमें सारी ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। अगर आप के थ्रू कराएंगे तो एजेंसी आपको ये सारे पहले कह देते हैं कि भाई हमें ये चीजें चाहिए। हाँ, जिसमें जाहिर बात है पासपोर्ट है, आपकी डिग्री है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी क्वालिफिकेशन फॉर्म है, आपकी सिलेबस है, और आपकी एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है, और जिस कंट्री में आपने काम किया उसका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो हमने, जी बिल्कुल वो तो डेफिनेटली चाहिए, और पुलिस क्लियरेंस, ये सारी चीजें आप नोटरी पब्लिक करा के, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारा पीएनसी जो है वो आपको देते नहीं है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, वो आपको कहते हैं कि हम उसी कंसर्न बॉडीज को खुद ही भेजेंगे सेंड जो करेंगे। हाँ सेंड करेंगे, लेकिन उस तरह चाहिए नहीं, वो आपको उनकी कॉपी हर हाल में चाहिए होगी। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे पीएनसी के डायरेक्टर को, तो वो आपको कॉपी भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो राइट ये सारी चीजें आप नोटरी पब्लिक करा तो के, आपने कैसे किया, आपने जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट था उनको एड्रेस पे सेंड करवाया या उनसे कॉपी ली? इसमें भी दो टाइप्स की चीजें होती हैं, वो अगर सेंड करेंगे तो एनएमबीआई उसको भी एक्सेप्ट करती हैं, हाँ हमें, हमने रिसीव किया है तो हाँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप उसे कॉपी ले लेते हैं तो आपको कॉपी भी दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोनों चॉइस में आप कर सकते हैं, वो जाहिर बात है पीएनसी सेंड करता है तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आपको कॉपी मिलती है तो आप कॉपी भी सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है ये दोनों से। लेकिन ये है कि ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बंदा कर ले तो उन्हें डिले नहीं होगा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे जमा कराएंगे 350 यूरोस, और ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, तो फिर वो उसको रिव्यू करेंगे, तो जो भी बीच में डिस्क्रिपेंसी आएगी तो वो आपको दोबारा रिप्लाई करते हैं, फिर आप चीजें दे देते हो। तो ये है कि जितनी भी चीजें शुरू से अच्छी हो, मतलब रेडी हो, तो उसमें टाइम कम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन सेट है कि फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट कर दी है 350 यूरोस और उसमें ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स असेंबल कर रहे हैं और उसमें टाइम गुजर गया 2 साल का 3 साल का और आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाती है, ऐसा कुछ है? उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 6 मंथ्स का, कि 6 मंथ्स 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, कि वो 6 मंथ्स के बीच में वो फीस एक्सपायर हो जाएगा। तो बेहतर है कि पहले बंदा प्रिपेयर करे सारे डॉक्यूमेंट्स को, और या एजेंसी का हेल्प ले ले, इंडिया में एक एजेंसी है वो भी मेड्राइजर के नाम से है, वो आप अपने ग्रुप में, मेरा नंबर सेंड करूंगा तो शेयर कर दीजिएगा, मेरा जो श्योर। था वो उधर से हुआ था, तो वो कर लेते हैं, कि हमारे एक दोस्त की वो सऊदीया से है, प्रोसेस कर रही, उसी एजेंसी से करा रही है। तो ये एजेंसी आपसे चार्ज करती है या ये वो हॉस्पिटल? इंडियन, आजकल भी इंडियन 9,000 इंडियन रुपीस चार्ज करती है डीएल प्रोसेस तक, कि जब आपके पास डीएल आएगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा,
उसके बाद फिर आपकी जॉब सर्च करनी है, तो वो जॉब सर्च के लिए वो फिर आप अगर आप उनसे करवाते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको दोबारा पे करना है, और अगर खुद करते हैं तो फिर आपको उनको जरूरत नहीं पड़ती। राइट, ठीक है। जी तो आपका डिसीजन लेटर आने के बाद आपने फर्दर आगे क्या किया? ये होता है कि जब आप MBI से डिसीजन लेटर ले लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स जैसे हमने डिस्कस की, OET है, उसके बाद फिर आपका एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है, उस जितने भी हॉस्पिटल में आपने काम किया एम्प्लॉयमेंट फॉर्म उसी हॉस्पिटल से, क्वालिफिकेशन फॉर्म एंड सिलेबस, और आपका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए DL तक। ओके। ये DL जब मतलब ये होता है डिसीजन और लेटर। सॉरी, यहाँ पे ये कितना टाइम ड्यूरेशन लगा ये डीएल आने तक? जी वो ये होता है कि अगर आपके हॉस्पिटल ज़्यादा है, जे जहाँ पे आपने काम ज्यादा किया है, तो जाहिर बात है फिर हमारे हॉस्पिटल्स जितने भी पाकिस्तान में कुछ बंद हो गए हैं, रिप्लाई करने में बड़ा डिले करते हैं। अगर वो डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो था वो तो जाहिर बात है एक शिफात और एक सऊदीया का, तो उसमें 21 days लगे थे। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मतलब आज सबमिट किए, तो आफ्टर 21 days आई गॉट माई DL, बिकॉज आई हैव ओनली 2 hospitals, सऊदी अरब एंड शिफा। तो उसके बाद फिर ये है कि अगर जिस बंदे की ज्यादा हॉस्पिटल्स ने जिसने काम किया है, तो वो फिर उनको मेल जाती है, फिर वो अप्लाई कर रिप्लाई टाइम से करते हैं कि नहीं करते, तो वो डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स हो तो उतने उसमें इतना टाइम लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी सारी चीजें रेडी है तो विद इन अ मंथ आप ले सकते हैं, मैक्स विद इन अ मंथ आपको DL मिल जाता है डिसीजन लेटर NMBI से, कि हाँ आप राइट। एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन अप टू द स्टैंडर्ड है, और हमारे हमने चेक किया तो बिल्कुल सारी चीजें सेटल्ड है। उसके बाद फिर जो है आपने जॉब सर्च करनी है, तो जॉब सर्च के हवाले से फिर भी आप दो रास्ते हैं, या तो एजेंसी से करवाते हैं लोग, इंडिया की एजेंसी है, या खुद ही करते हैं। यहाँ पे आयरिश एजेंसीज बहुत सारी है, वो हाँ मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने चैनल से उसका सबसे पहले जो है CPL, CPL हेल्थ केयर के नाम से है, CPL हेल्थ केयर के नाम से, तो वो पूरी आयरलैंड में मतलब स्टाफ को हायर करते हैं सारी कंट्री से, और वो बहुत वैलिड और बहुत ही अच्छी एजेंसी है, तो उसमें कोई धोखा कोई फ्रॉड कुछ भी नहीं है, वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते। तो उनको आप बताते हैं अपनी CV कि भाई मेरे पास ये सी मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, CV सेंड करते हैं, और आप अपना डिसीजन लेटर, तो वो फिर उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि भाई हमें CV इस फॉर्मेट में चाहिए, वो फॉर्मेट सेंड करता है, और फिर आपको इंटरव्यूज अरेंज करते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, HSE हॉस्पिटल्स में भी, तो जो सब सी है, इसके अलावा और भी है TTM के नाम से, TTM, तो TTM है और CPL, ये दोनों बहुत मतलब स्टैंडर्ड के हैं और बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों जो चीज़ दोनों एजेंसी से आप रब्ता करते हैं मतलब ऑनलाइन, उनकी साइट पे जाके तो बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं कि आप उस पर अप्लाई करके डिसीजन लेटर अगर आपके पास होगा तो आपका इंटरव्यू अरेंज करते हैं किसी भी सही। हॉस्पिटल। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है हॉस्पिटल्स के साथ, जैसे UK में भी होता है, और अगर आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट करता है तो सारा प्रोसेस उसके बाद जो है वो एजेंसी खुद ही करती है। उसमें भी बहुत सारी मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए मतलब, लेकिन वो पुरानी मतलब सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, और उनको एक दो तीन फॉर्म और चाहिए वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस का, वो ये फॉर्म होता है कि जिस हॉस्पिटल्स में काम किया है फिर आपने उनसे, क्योंकि फिर आपको सैलरी तो चाहिए उसी हिसाब से, तो वो आपका एक्सपीरियंस जो है उसके वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए फिर वो एजेंसी ही सारा कुछ करती है। क्योंकि आप हॉस्पिटल से ऑनलाइन हॉस्पिटल्स यहाँ पे मतलब एम्प्लाई के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, किसी भी एजेंसी के थ्रू है, और सबसे बड़ी एजेंसी CPL है और TTM है, और भी बड़े हैं लेकिन मुझे ये दोनों याद है, और ये बहुत वैलिड भी हैं, तो पाकिस्तान से ये हायर करते हैं, कोई रेड लिस्ट का कोई इशू नहीं है कि रेड लिस्ट है या नहीं है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू हॉस्पिटल, जाहिर बात है फिर आपका एयर टिकट वो अरेंज करते हैं, और आपका इनिशियल जो 3 months का एकोमोडेशन है वो एजेंसी खुद ही अरेंज करती है, मतलब इनिशियली फर्स्ट मंथ का है वो एजेंसी करती है, उसके बाद फिर 2 month को आपको पे करती है, और सारा प्रोसेस एजेंसी। तो ये दोनों ये जो एजेंसी है दोनों, तो कोई भी बंदा ट्रस्टेड है तो ये वाली एजेंसी दोनों बहुत अच्छी हैं, इससे बंदा अप्लाई करे तो अच्छा। सही, वेल डन शाहजी, वेल डन शाह जी उसमें ना दो एक चीज मैं भूल गया हूँ आपको बताना, जो प्रोसेस जी। आपसे था कि डिसीजन लेटर के बाद जो हॉस्पिटल्स होती है ना, वो दो किस्म की, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे जब आप आएंगे,
दो टाइप्स के हॉस्पिटल्स होती है, एक एडॉप्टेशन कराते हैं और एक RCSI का एग्जाम होता है। तो ये डिसीजन लेने के बाद ही बात है, बात की बात। तो एडॉप्टेशन ये होता है कि जब आप आयरलैंड में आते हैं तो 3 मंथ्स तक वो आपको असिस्ट करेंगे, आपकी कंपिटेंसीज चेक करेंगे, उसके बाद फिर वो सारा हॉस्पिटल ही करेगा, आपको किसी प्रिसेप्टर के अंडर काम करना पड़ेगा और वो प्रिसेप्टर फिर आपको या तो पास करेगा, कॉम्पिटेंट डिसाइड करेगा, या अनकॉम्पिटेंट डिसाइड करेगा। तो अगर कॉम्पिटेंट है तो यू विल गेट अपीन, अदरवाइज यू विल नॉट। बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। और RCSI का एग्जाम ये होता है कि वो ये RCSI एक ऑस्की की तरह है। ये रिटन एग्जाम भी है और ऑस्की भी है, दोनों है। क्लिनिकल भी, ठीक ठीक है, है। लेकिन वो आप यहाँ पे आएंगे तो करेंगे। और अगर आप, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स जो है वो RCSI को प्रेफर करते हैं और कुछ जो हॉस्पिटल्स जो है वो एडॉप्टेशन को, क्योंकि जो मेरा हॉस्पिटल था वो एडॉप्टेशन मतलब करते हैं। हर हॉस्पिटल एडॉप्टेशन भी नहीं करता और हर हॉस्पिटल RCSI का एग्जाम भी नहीं करता, ले लेगा। तो राइट, कोई बंदा एडॉप्टेशन में आता है तो 3 मंथ्स तक स्टूडेंट सैलरी पे काम करेगा और 3 मंथ्स किसी प्रिसेप्टर के अंडर काम करके वो तो या डिसाइड करेगा कि द कैंडिडेट इज कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट। और एग्जाम है मतलब रिटन एग्जाम भी है और उसके अगले दिन ऑस्की भी है। तो ये पिन लेने का तरीका है। पिन लेने के बाद फिर आपकी सारी चीजें शुरू हो जाती है, आपकी सैलरी और ये सारी चीजें। राइट। आपने बात की कि आयरलैंड अच्छा, का, एक क्वेश्चन यहाँ पे शाह जी, आपका वीज़ा किस स्टेज पे लगता है? डिसीजन लेटर पे वीज़ा लग जाता है या जब आप जॉब कर लेते हो यहाँ पे सिक्योर, उसके बाद लगता है? नहीं वो जॉब सिक्योर करेंगे आप तो उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल ही मतलब जिस हॉस्पिटल में आपकी जॉब हो जाती है या जिस एजेंसी के थ्रू हो जाती है तो एजेंसी ही कराती है, उसके बाद एंड पे वीजा लगता है। जब आपकी राइट। चीजें वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ एक्सपीरियंस भी वैलिड है और सारी चीजें सेटल्ड है तो उनको एक जो माइनर सा मेडिकल सर्टिफिकेट भी भिजवा देते हैं कि इसमें कुछ बेसिक चीजें होती है ब्लड का और ये सारा। तो उसके बाद फिर वो आपको सारी चीजें करके वीजा दे देते हैं। इनिशियल वीजा जो है वो 6 मंथ्स का होता है पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, और इंडिया से आते हैं वो 3 मंथ्स का होता है। तो उसकी उसमें आपको रेजिडेंस परमिट ये सारी चीजें मिल जाती हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आपने काफ़ी लंबा प्रोसेस करके यहाँ पे आप पहुँच ही गए हैं। एंड योर स्टोरी, दिस स्टोरी विल इंस्पायर मैनी। बहुत सारे नर्सेज हैं, बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो हज़ारों क्वेश्चन करते हैं हर रोज़ आपको। शायद आपने उसमें आप या इसमें मेंबर हैं कि नहीं है, आई डोंट नो, डेविएट ग्रुप जो है जी, उसमें। जी, अगर कोई आयरलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप प्लीज़ उसका आंसर कीजिए, क्योंकि अगर जो बंदा वहाँ पे रह रहा है वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है। और बाकी क्योंकि पाकिस्तान में ना बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, तो बेहतर है कि लोग उससे बचें। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन करते हैं कि सेटलिंग इन आयरलैंड, ठीक है, वो कैसा था आपके लिए? कल्चरल शॉक क्या था, कैसा था? ट्रांजिशन कैसा हुआ? ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर डे टू डे लाइफ इन हॉस्पिटल। ये जो कंट्रीज है ये आपको पता है कि हमारा कल्चर डिफरेंट है और इनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, तो ये कल्चरल शॉक तो हर बंदे को लग जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो हमारे दोस्त है पंजाब से जो आते हैं वो सर्दी के आदी नहीं होते। हमारे जैसे लोग जो नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं हमें आदत होती है सर्दी की, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। लेकिन मैं जब एक आपको बात करूँ कि जो लोग हैं ये बहुत ही वेलकमिंग लोग हैं, इसमें जो आपका रेसिज्म का जो बिल्कुल जीरो है। आज आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन सी कंट्री से आए हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत वेलकमिंग और बहुत ही, सही मैं कहूँ को एक लाइट नोट से, कि बहुत ही शरीफ अंग्रेज है। ये किसी सही। कुछ भी नहीं कहते, आपको अपने जैसे कंसिडर करते हैं और बहुत वेलकमिंग लोग हैं। हाँ यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा घर का मतलब जो रेजिडेंस का इशू है कि घर कम कम है ना, मतलब आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है रूम सर्च करने में और घर को। लेकिन ये है कि आज तक कोई रोड पे नहीं सोया तो मिल जाते हैं मिल कहते जाते हैं, हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सही और है। आप वहाँ पे अकोमोडेशन का और डेली एक्सपेंस क्या है, सॉरी मंथली एक्सपेंस क्या है विद फूड एंड एवरीथिंग? ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम अगर आप लगा ले तो 800 से लेके 1000 तक, 1000 मैक्सिमम मैक्सिमम है, 1000 यूरोज। उसमें आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, मतलब एक अगर आप एक नॉर्मल सी लाइफ गुजार रहे हैं तो 800 तक, क्योंकि 650 तक आपका रूम का रेंट होता है।
और उसके बाद फिर आप रूम के रेंट में या तो बिल होता है या बिल नहीं होता, लेकिन मोस्टली नहीं होते। 650 से प्लस बिल लगा लो तो 750 कर दें, और 350, मतलब इसमें आपकी बहुत अच्छी लाइफ गुजर जाती है बीइंग अ पाकिस्तानी इंडियन। हाँ, कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी नहीं होती, मतलब जो भी आपको पता है कि वो। हाँ, तो ये है कि 1000 में आप 800 से लेके 1000 यूरोस तक आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं यहाँ पे एज अ सिंगल। तो अगर आप फैमिली है तो फिर आपको घर हायर करना पड़ेगा, तो जो घर भी है वो अगर 2 बेड का अपार्टमेंट है तो वो भी 1500 से लेके 1800 के बीच में मिल जाता है। तो ये है कि लाइफ का स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब लोग बड़े चलिए वेलकमिंग है और सही। हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये अपनी रिकमेंड करूंगा कि अगर दोनों आपके पास चॉइस हो, यूके का आयरलैंड का, तो आई विल प्रेफर एंड आई विल हेल्प माई यंगर कोलीग्स टू आयरलैंड। अच्छा शाह जी, आपकी डे टू डे लाइफ जो है वहाँ पे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा है, और हाउ वेलकमिंग, एज यू ऑलरेडी टोल्ड दैट दे आर रियली वेलकमिंग पीपल, हाउ इज इट डिफरेंट, द हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इन आयरलैंड, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्लेसेस यू वर्क बिफोर इन पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें, तो आपको कैसा लगा वहाँ पे? मुबशिर, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो रिस्पेक्ट है। वो आपको मतलब बहुत ही ज्यादा मिलता है। और यहाँ पे आपने भी देखा है कि क्लास डिफरेंस नहीं है। क्लास डिफरेंस का मेरा मतलब है कि मैं कंसल्टेंट हूँ या मैं एक स्टाफ नर्स हूँ या मैं एक हेल्थ केयर असिस्टेंट हूँ, तो उसमें बेसिक राइट्स और मतलब सबके सेम है। आपको कोई बड़ा छोटा नजर नहीं आएगा कि ये कोई हेड है हॉस्पिटल का या मैं नहीं हूँ। तो इसमें मतलब राइट सबके सेम है, यहाँ पे सारे लोग सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। जाहिर बात है हेल्थ केयर सिस्टम तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस्ड है, जब जैसे हमने काम किया सऊदी अरब में भी और शिफा में भी, तो वहाँ से ये थोड़ा सा एडवांस्ड है सिस्टम। लेकिन जो बेसिक्स पॉलिसी है, बेसिक जो चीज़ें हैं, वो सब किस पूरी दुनिया में सेम है कि मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है हेल्थ केयर सिस्टम के, वो सारे सेम। थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, तो वो जो बंदा है वो महीने में मैक्सिमम लगा ले तो सीख जाते हैं। टाइम भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि यहाँ पे 12 आवर्स ड्यूटी होती है, वहाँ हमारे जो पिछले हॉस्पिटल्स है या कहीं भी वो 8 आवर्स होती हैं, तो यहाँ पे 12 आवर्स ड्यूटी होती हैं और महीने में 12 12 ड्यूटीज होती हैं। तो जी, और अगर आपके पास एक बच्चा है जो 5 ईयर्स कम है, तो वो आपके महीने की जो ड्यूटीज है वो 10 होंगी, मतलब 12 नहीं होगी। महीने में आप ड्यूटी करेंगे वो दोनों फिर भी मतलब वो हो जाएगी। तो हॉस्पिटल्स का डे टू डे लाइफ यही है कि सुबह चले जाते हैं, तो जैसे ही मतलब अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, हर बंदे की डिफरेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपसे कोई बहुत ज़्यादा पूछ गछ नहीं है। आप घर आ जाते हो तो पीछे से कॉल आती है, ये क्यों नहीं किया, वो किया, ये क्यों मिस हो गया, वो क्यों मिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रिस्पेक्ट की और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मैं तो जितने भी मेरे दोस्त हैं सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो रिकमेंड करूंगा कि आयरलैंड का एक्सपीरियंस जरूर लें, ये बहुत अच्छी कंट्री है। शाह जी, योर फाइनल थॉट्स अबाउट पाकिस्तानी नर्सेज, फॉर पाकिस्तानी नर्सेज स्पेसिफिकली, बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ पाकिस्तानी नर्सेज गेटिंग ग्रेजुएटेड मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, लेकिन बहुत सारों के पास रास्ते नहीं है कि आगे कहाँ जाए। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मैं अपने सीनियर्स को अगर देखता था तो बहुत सारी मुझे ना एक डिप्रेस्ड फीलिंग आती थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इमेज नहीं था हमारा, और अभी भी हमारा नर्सिंग का इमेज इतना बहुत मतलब बेस्ट किस्म का तो है नहीं। आप क्या सजेस्ट करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को, कितना वो एक्सपीरियंस करें, इंटर्नशिप करें ना करें, और आयरलैंड के लिए स्पेसिफिकली, और वो किस तरह अपनी जो है वो जर्नी को और अपनी करियर ग्रोथ करें? शाहजी, अगर मैं बात करूँ, जब मैं इधर आया था तो यहाँ पे जो इंडियन से लोग आते हैं, इंडिया से, वो बहुत छोटे छोटे उम्र के आते हैं। तो जब मैं समझता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अपने रन से 5 ईयर्स पीछे हूँ, हमारे पाकिस्तान का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना इनको ज़रूरत है। जाहिर बात है इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आपने 10 साल काम किया या 5 साल के, कोई भी ज़रूरत इनको नहीं है, ना आपको कोई मतलब इनका कोई इतना कुछ खास फायदा है।
तो जितने फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि जैसे ही आपके पास लाइसेंस आता है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का, आप उसी दिन तैयारी करें और एज सून एज पॉसिबल आप यहाँ पे आएंगे तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। और आने में उनकी एक्सपीरियंस का कोई इशू नहीं है कि अगर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 साल है, मैं पहले सीख लूँ, ये इधर भी आप सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 1 साल लगा लो, मतलब लाइसेंस के बाद आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लें कि आपको बेसिक चीज़ें हॉस्पिटल के सिस्टम का पता हो और हॉस्पिटल कैसे चलते हैं और थोड़ी सी मतलब हेलो हाई और हॉस्पिटल का आपको पता हो। तो उसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएट हो आप तैयारी शुरू कर ले, तो इसमें लग जाता है 1 साल आलमोस्ट। तो वो आप 1 साल किसी हॉस्पिटल में काम करते रहें साथ साथ, और आप जैसे ही ग्रेजुएट हो तो अपना टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में ज़ाया करें, ये एक अकवर्ड सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर जो इंटरेस्टेड है और जो चाहते हैं कि हम बाहर चले जाए, क्योंकि मुल्क हमारा अपना है, हमने खिदमत नहीं करना तो किसने करना है, अगर साथ है तो हमारे अपने लोग कौन देंगे। तो ये बहुत एक अजीब सा लफ्ज होगा, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएट हो तो आप ये डिसाइड करें उसी दिन कि मैं आयरलैंड में जाऊंगा, तो फिर आपका 1 साल आप साथ साथ हॉस्पिटल में काम भी करें और इसी प्रोसेस में भी काम शुरू कर ले तो आपको ईजी रहेगा। क्योंकि आप जैसे हॉस्पिटल से, उसी टाइम आपका एक ही हॉस्पिटल होगा, आपका डिसीजन लेटर भी बहुत ही जल्दी आएगा, विद इन 2 वीक्स आएगा, क्योंकि आपका एक ही हॉस्पिटल होगा और एक ही कॉलेज होगा, लंबा चौड़ा काम होगा नहीं। तो आप वो एक्सपीरियंस इधर कर ले तो ये ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आपको हॉस्पिटल है वो स्पॉन्सर करता है फॉर हायर स्टडीज, और जैसे आपके पास हायर स्टडीज आती है तो आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आप एक स्टेप से दूसरे, तीसरे से फिर चौथे ऐसे। और सबसे बड़ी जो, अगर आप ये है कि यहाँ पे जो मैंने देखा है कि जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स से जो ग्रुप में भी बात करते हैं कि मैं यूरोप में जाऊँ तो डॉक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, या उधर डॉक्टर कहलाते हैं, आप भी जैसे बात करते हैं ना कि डॉक्टर की फीवर से बाहर निकलाओ, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे ग्रेजुएट मेडिकल एंट्री प्रोग्राम भी है। अगर यहाँ पे आ जाते हो तो आपको हॉस्पिटल से बात करके आप अपना जो टाइमिंग है कॉन्ट्रैक्ट का वो 24 आवर्स करके सैटरडे संडे को ड्यूटी करें और आप हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिशन लेके डॉक्टर बन जाए 4 साल बाद। तो वो तो बात की बात होती है कि बंदा मतलब वो कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। एक्सपीरियंस लूंगा फिर टाइम, फिर पता है ना कि बहुत सारी चीज। तो जो इंटरेस्टेड है और जो यहाँ आना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आपके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस आ जाए तो उसी दिन प्रोसेस शुरू कर ले, तो उसमें एक साल ऑलमोस्ट लग जाता है और देन यू विल बी इन आयरलैंड इंशाल्लाह। और उसी दौरान आप अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ रखें, साथ 1 साल एक्सपीरियंस रखें। हाँ, और हाँ। क्योंकि साल तो लग जाता है सारी चीज, साल तो लग जाता है बिल्कुल ये सारे डॉक्यूमेंट्स। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे है ही नहीं, हम पूरे हॉस्पिटल में, यहाँ जो हम हॉस्पिटल में काम करते हैं इसमें ऑलमोस्ट 7,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसमें हम सिर्फ 3 नर्स है पाकिस्तान के, एक मैं और 2 वो लड़कियाँ, एक लाहौर से एक कराची से, तो हम सिर्फ 3 नर्सेज हैं पूरे हॉस्पिटल में जिसमें 7,000 पीपल काम करते हैं। तो जितने भी हमारी कम्युनिटी इधर आएंगी तो इसमें सबका फायदा होगा इंशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया रफीक भाई, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का, वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस यू नो डिस्कसिंग ऑल द निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ यू नो आयरलैंड प्रोसेस। Or it was a great pleasure to have you on discussion. Thank you so much. Or inshallah fir kabhi. Aapki khidmat kar rahe hain to ye hamari taraf se bhi hai thoda sa. Sure. Hum promote karenge logo ko, help karenge jitna bhi hum kar sakte hain ki wo yahan pe aaye aur experience kare yahan ka Ireland. Ji. Okay sir, thank you so much. Thank you for time. Thank you. Assalamu alaikum.